नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सरकार आपके साथ है। आज रायसेन में प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन एक निजी कॉलेज में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, साथ में मौजूद थे जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना, विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन, संजीत जाट एवं संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एवं जिला एवं कई मंडल अध्यक्ष। पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने कई तरह की मांग रखी गई, विशेषकर उनकी 3 सूत्री मांगी थी। उनका कहना ये था कि यदि सरकार ने यह मांगे नहीं मानी, दो एसोसिएशन संघर्ष करके अपनी मांगी मनवाएगा, लेकिन स्थानीय विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपकी जो भी मांग है हम सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पेंशनर एसोसिएशन की जिला शाखा रायसेन के द्वारा पेंशनर्स का ये जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विचार विमर्श पूरे जिले भर के पेंशनर्स यहाँ पर आए हुए थे। उसमें कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत भी हुई है और कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी थी, उनके संबंध में भी बात हुई। तो आज बड़ा अच्छा लगा उन सबका स्वागत करके। हमारे जिले के जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो सारे लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। प्रांत अध्यक्ष प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा, पर जो आपने ये हमें निर्देश दिया है कि अपनी डिमांड्स के बारे में बता दें, तो मैं बता ही देता हूँ। सबसे अहम डिमांड तो हमारी ये है कि जो पेंशनर्स हो जाते हैं उनको स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं है, तो भले ही हम अपना पैसा देते रहें पर स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो जाए और हमको मतलब ये लाभ मिल जाए। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में फाइल कोई लाभ देते हैं जब पेंशनर, तो उनकी अनुमति लेते हैं और वो इनकी अनुमति लेते हैं, इसमें 6 महीने का समय व्यतीत हो जाता है और एरिया ड्यू हो जाते हैं जो नहीं मिलते हैं। तीसरा हमारा मेन डिमांड ये है, अभी करंट डिमांड ये है कि जो लोग 1 जुलाई को और 1 जनवरी को रिटायर होते हैं, उन लोगों को इंक्रीमेंट दिया जाता है 6 महीने के बाद, परंतु रिटायरमेंट की एज तो के हिसाब से तो 30 जून और 31 दिसंबर है, तो आप वो इंक्रीमेंट 30 जून 31 दिसंबर को दे दें, इस ताकि आपको लाभ मिल जाए सबको। इस संबंध में हाई कोर्ट के 30 फैसले हमारे पास हैं और 1 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर गवर्नमेंट इसको समय नष्ट कर रही अपना और हमारा भी, और अभी नहीं दे रही वो लिख रही है इनको गवर्नमेंट। आपने जो दिशा दी है उसको और आगे इसके लिए हम लोग काम करें। विकास, प्रगति, प्रोग्रेस, एसोसिएशन का नाम ही प्रोग्रेसिव रखा है, इस बात का ये उदाहरण भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमको प्रोग्रेस, हमारे मन में प्रोग्रेस करना हम चाहते हैं, भारत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अपने जन्म स्थान को भी। राजनीति में जरूर हूं, लेकिन मैं भी एक समाज सेवा और इससे क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस प्रतिनिधित्व के अलावा मध्य प्रदेश का और देश का विकास हो उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जब मैं विभिन्न दायित्व पर सरकार में भी रहा